dear students i welcome you in the course of leadership emotional intelligence and decision making this is module number 58 and we're going to talk about that we have to be whole which means we have to act with integrity and we have to respect the whole person when we talk about the whole person we actually mean that we are going to be focused on our 360 degree perspective of life

And obviously, we looked into the tables. That sometimes we have to redefine because with the passage of time, our life has certain imbalances. Those create. The second thing we need to talk about is our clear expectations with the other people, our clear expectations with our four domains, our clear expectations with our all the stakeholders and obviously expectations of we also need to share those expectations with the other people the third thing is that we have to recognize and respond and recognize and respond to the expectations of the other people to, towards ourselves as well expectations siraf hamari dusron kisat wa basta nehihote stakeholders certain expectations और अगर हमारा क्लैश ऑफ एक्सपेक्टेशन आ गया तो दैट वुड बी ऑल्सो क्रिएटिंग अ बिग कन्फ्लिक्ट देर फोर वी हैव टू रिकगनाइज एंड रिस्पॉन्ड टू ऑल द एक्सपेक्टेशन विच आर सराउंडिंग अस एंड देन एट द सेम टाइम रिमेंबर दैट वी हैव टू लर्न टू रिस्पेक्ट अदर्स जब तक हम इस रिस्पेक्ट के एलिमेंट को अपने रिलेशनशिप्स में लेकर नहीं आएंगे इट वुड बी डिफिकल्ट फॉर अस टू मैनेज द लाइफ एंड टू बिकम अ टोटल लीडर now identifying key stakeholders is the key step we have in your life your stakeholders can be anyone and can be anywhere koi bhi shakhs ho sakta hai ke jo aapko influence kar raha ho aur aap usko influence kar rahe ho and in any aspect of the world you deem important और उस शख्स की importance बाजुकात हो सकता है कि आपके लिए दूसरों के निस्बत बहुत ज्यादा हो तो क्या आपने अभी तक ये आइडेंटिफाई किया कि उन तमाम एस्पेक्ट्स में सोसाइटी में होम में प्रोफेशन में और आपकी अपनी जात के हवाले से विच एस्पेक्ट और विच स्टेक होल्डर इज मोस्ट इंपॉर्टेंट और क्यों इन दोनों बातों को जानना हमारे लिए जरूरी होगा अब जब हम आइडेंटिफाई कर रहे हैं कि स्टेक होल्डर्स को तो वी हैव टू सी दैट हु इज मोस्ट इंपॉर्टेंट वो आपकी जात भी हो सकती है वो कम्युनिटी में कोई शख्स हो सकता है वो आपके घर का कोई फर्द हो सकता है या वो आपके प्रोफेशनल लाइफ से वाबस्ता कोई शख्स हो सकता है सो वी हैव टू सी दैट हु इज मोस्ट इंपॉर्टेंट इन योर लाइफ और जब आपने ये बात डिस्कस कर ली कि हु इज मोस्ट इंपॉर्टेंट तो आपको ये भी देखना होगा कि हु हैज द मोस्ट इंपॉर्टेंट और ये दोनों बातें मुख्तलिफ हैं कि किसकी अहमियत सबसे ज्यादा है और किसको आपने अहमियत ज्यादा दे रखी है द थर्ड थिंग हाउ मच यू इंटरेक्ट विद द पीपल हु आर इंपॉर्टेंट टू यू बिकॉज हो सकता है कि किसी शख्स को आप अपनी जिंदगी में इंपॉर्टेंट तो बहुत समझ रहे हो लेकिन एक अरसे दराज से आपका कोई मामला कोई ताल्लुक कोई वास्ता उस शख्स से नहीं पड़ा तो ये इम्बैलेंसेज हैं ये ऐसे इंबैलेंसेस हैं जो आपकी हरारकी ऑफ प्रायोरिटी इन लाइफ को वो शेक कर देते हैं थिंग इज़ आपका उन तमाम मामला के साथ जिनकी आप इंपॉर्टेंस का जिक्र कर रहे हो वट रिलेशनशिप यू हैव और क्या वो रिलेशनशिप किसी डेफिनेशन के अंदर आ सकता है कि नहीं क्या वो रिलेशनशिप आप पब्लिकली अनाउंस एंड प्रोनाउंस कर सकते हो कि नहीं क्या वो रिलेशनशिप आपके लिए वाकई ऐसा ताल्लुक है जिस ताल्लुक के बिना आपको लगे कि जिंदगी गुजारना वो डिफिकल्ट है और बाज हम उस इंपॉर्टेंस को भी ठीक से डिफाइन नहीं कर पाते क्योंकि हमने कभी अपनी जिंदगी का उस तरीके से एनालिसिस और कथारसिस नहीं किया होता जैसे कि हमें करना चाहिए आपके ट्रेड ऑफ्स क्या हैं आपको अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या बियर करनी पड़ेगी बहुत से परस्पेक्टिव हैं जिनमें हमें जिंदगी के एस्पेक्ट को वो सोचना चाहिए एंड एनदर इंपॉर्टेंट थिंग इज के आर यू ट्राइंग टू अकम्पलिश आपने जो भी इंपॉर्टेंस किसी को दे रखी है आप उस इंपॉर्टेंस से हासिल क्या करना चाहते हो वट आर गोइंग टू बी योर आउटकम्स आपके डिलेवरेबल्स क्या होंगे आपकी अचीवमेंट्स क्या होंगी बिकॉज अनलेस एंड अंटिल यू आर नॉट कैलकुलेटेड तो आप कन्फ्यूजन का शिकार वो हो जाओगे So you have to be clear that who is important, why that person is important, or who is important. Say what actually you want to achieve, and at the same time you have to see that you are compromises. You are not sacrifices. So you have to be clear in your perspectives, particularly when you call yourself a leader. Now, now who matters most? To we have another exercise. And this exercise talks about okay, we have to see we have to actually write down the names of the people in our stakeholder list, and we have to write down the names of the people in the domain of work, in the domain of home, in the domain of family, and in the domain of community and society that who are most important to you. Or when you write names, then you have to ask yourself The first question. आर द मोस्ट इंपोर्टेंट पीपल एमंग दो जिनके आपने नाम लिखे ग्रुप्स और अदर एंटिटीज एंड दोन ईवन बी एनिमल दैट कैन बी दार्ट ऑफ द एनवायरमेंट एंड वाई डू यू थिंक दे आर इंपॉर्टेंट टू यू एन अदर थिंग इंपॉर्टेंट जो आपको सोचनी होगी अब वो ये है कि इन द डोमेन्स जहां पर आपने नाम लिखे लोगों के जो आपके नजदीक सबसे इंपॉर्टेंट थे आपका उनसे कितना फ्रीक्वेंट कॉन्टेक्ट है बिकॉज जैसे मैंने पहले अर्ज किया कि बाज़ात कोई हमारे लिए इंपॉर्टेंट तो होता है लेकिन हमारी तवज्जो का मरकज नहीं होता हम अपना वक्त हम अपने रिसोर्स कहीं और पर मरकूज कर रहे होते हैं तो देर फोर रिमेंबर कि हमें अपनी प्रायोरिटीज वो सेट करनी है हमें माइंडफुल होना है हमें यह समझना है कि हमारे लिए कब कहाँ क्यों कैसे कौन कितना इंपॉर्टेंट है और उससे हमारा सेटिस्फैक्शन का ताल्लुक हमारी परफॉर्मेंस का ताल्लुक और हमारी हैप्पीनेस का तालुक वो कितना है लास्ट बट नॉट द लीस्ट पॉइंट इन दिस एक्सरसाइज इज दट हुए जब आपने अपने तय इंपॉर्टेंस को सोच लिया तो अब ये भी देखो कि वो कौन से लोग हैं जो आपके ऊपर मैक्सिमम असर रखते हैं और आप उनको मैक्सिमम इन्फ्लुएंस वो कर सकते हो ये सारी एक्सरसाइजेस करने का मेन मकसद क्या है कि हम एक्सप्लोर कर सकें कि क्या हमारी प्रायोरिटीज इन द लाइफ क्लियर हैं क्या हम कहीं इम्बेस का शिकार तो नहीं हैं बिकॉज वो इम्बैलेंसेज हमें बहुत दूर ले जाएंगे अपने उस लीडरशिप प्रस्पेक्टिव से जो हम थ्री सिक्सटी डिग्री लाइफ में अचीव करना चाहते हैं अगर हम इस सारी बात को कंक्लूड करें तो माई डियर स्टूडेंट्स रिमेंबर वन थिंग कि दिस लाइफ इज ओनली फॉर वन टाइम और इसको हमें बेहतरीन तरीके से यूटिलाइज वो करना चाहिए सो so, हमारी जिंदगी का जो नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट है विच इज एक्चुअली अवर होम आवर कम्युनिटी अवर सेल्फ एंड अवर प्रोफेशन उसमें हम एक बैलेंस क्रिएट कर सकें और वह बैलेंस तभी क्रिएट होगा वेन वी आर सेल्फ अवेयर थैंक यू